वेलकम बैक। हियर इज द प्रॉब्लम विद माय इंटरनेट। आई एम अप्रोचिंग यू थ्रू माय हॉटस्पॉट सेल फोन। आई थिंक सो माइट बी ड्यू टू वीक सिग्नल्स अगेन अलाउंग यू टू एडमिटिंग यू इन क्लास इज क्रिएटिंग सम हिंड्रेंस। आई एम वेटिंग। मैनी ऑफ द पीपल्स are in waiting room and I have admitted them, but still the system is working on admitting them. But anyway, meantime I would like to discuss context creates content. That was a question from Hanif. Let me share with you can you see written here option 2, customer aspiration? Anybody can tell me if it is readable to you? Hanif, can you see written there? You can unmute your mic. Yes, sir. Okay. I have taken it from Google. That was a blog written on context towards content. इस पे बहस है, इसमें जिक्र है मोनालिसा का, बेसिकली उसकी पिक्चर का। अगर आप देख सकें तो like this, your content is meaningless without context. एक डायग्राम में आप उसकी देख रहे हो मोनालिसा की पिक्चर जो है, और दूसरे में उसने रॉकेट लॉन्चर आपने रखा हुआ है। विदाउट रॉकेट लॉन्चर जो उसकी ओरिजिनल पेंटिंग्स है, उसको देखने के लिए पेरिस में सालाना थाउजेंड्स जो हैं वो विजिटर्स जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो रॉकेट लॉन्चर वाली उसके कंधे पे है, रॉकेट लॉन्चर ये वाली पिक्चर जो है, ये लंदन में मुख्तलिफ एक जगह पे ये भी मौजूद है और लोग उसको भी विजिट करते हैं। अब है पेंटिंग और है सेम पर्सनालिटी की, लेकिन डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हम किस तरह समझ सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसको अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि दोनों काम, दोनों पेंटिंग है ना, तो उनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट गिव्स बोथ वर्क्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग। द लोरे इज अ प्लेस वेयर पैटर्न्स कम टू सी कलेक्शन फ्रॉम द मोस्ट फेमस artist in the world, including a dozen works by Leonardo da Vinci, would be out of place anywhere else in the world. ये मैं बात बता चुका हूँ। हम example पे चले जाते हैं कि context is the circumstances that from the setting for an event, statement or idea, and in terms of which it can be fully understand and assessed. Or in short form, वो कह रहे हैं कि context gives content more meaning. जो आपका लिखा हुआ है
उसके मीनिंग को मजीद एक्सप्लोर करता है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज कॉन्टेंट इज इन एवरीथिंग दैट यू प्रोड्यूस एज अ मार्केटर। विदाउट इट योर इंटेंट मैसेज और कॉल टू एक्शन लूजेज मीनिंग। एंड व्हेन यू लूज दोज मीनिंग लूज हो जाए यू लूज क्लिक्स रीडर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा इसकी एग्जांपल कस्टमर एस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दी। व्हाट डू यू कस्टमर्स एस्पायर टू बी? आई कैन रिमेंबर वेयर आई सॉ दिस बट इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ एवरी टाइम यू सिट डाउन टू राइट एनी कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट। टैपिंग इन टू योर कस्टमर्स एस्पिरेशंस क्रिएट्स द अल्टीमेट कॉन्टेक्स्ट। तो वंस यू प्रूव यू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस दे विल कम बैक अगेन एंड अगेन। तो कहने का उसका ये मतलब है कि मीनिंग कॉन्टेंट को मीनिंग जो है वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट देता है। हनीफ आई डोंट नो आप ज्वाइन कर पाए हैं कि नहीं। आई हैव ट्राइड टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज द सिंटेक्टिकल स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये डिस्कोर्स का हिस्सा उस तरह से नहीं है लेकिन आप काम करते हैं इसमें, आपको समझ है चीज़ों की, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेडी किस द मैन विद द स्पेक्टिकल्स। द फ्रेज विद द स्पेक्टिकल्स इज द काज ऑफ एम्बिग्विटी। सिंटैक्स आर स्ट्रक्चर। इट इज नॉट क्लियर वेदर द लेडी इज यूजिंग स्पेक्टिकल्स टू किस अ मैन आर शी किसेस अ मैन हु इज वियरिंग स्पेक्टिकल्स आर द लेडी हु इज वियरिंग स्पेक्टिकल्स किसेस द मैन। तो ये देखें स्टेटमेंट के अंदर यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स तो है लेकिन इस स्टेटमेंट से क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ है, मेल के साथ है फीमेल के साथ है। तो दिस इज कंटेंट रिटन ब्लू में आप देख सकते हैं क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट समझाता है इसको कि वो किस तरह से वाक्या पेश आया है। सिमिलरली टू सोवियत शिप्स कोलाइड वन डाइज। कौन सा टू कौन से थे, कौन सा कोई रिट्रीवल पे था कोई उसको अटैकर था, क्या हुआ कैसे हुआ। कंटेंट मौजूद है लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है ताकि उसको डिटेल में हम देख सकें समझ सकें। सिमिलरली एनरेज्ड को इंजर्स फार्मर विद एक्स। अब देखें कितना खूबसूरत कॉन्टेक्स्ट है कि एक्स फार्मर के साथ था या एक्स के साथ को ने इंजर किया है फार्मर को। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें क्लैरिफाई करता है इस कॉन्टेंट को भी। सिमिलरली डीलर्स विल हियर कार टॉक एट नून। कार टॉक एट नून अगेन कंटेंट जो है वो आपको एम्बिगुअस है। तो ये क्लैरिफाई करेगा जब आप इसके कंटेक्स्ट को समझाने की कोशिश करेंगे विद कॉमास। व्हेन सर्टेन प्लेस पे हम कॉमा अप्लाई करेंगे तो ये अंडरस्टैंडेबल कंटेंट बन जाएगा ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट। दैट इज व्हाई इट वाज रिटन दैट कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स द मीनिंग्स टू द कंटेंट। सिमेटिक एनालिसिस। द बेस्ट वे टू लाई इन इज टू टेल द ट्रुथ केयरफुली एडिटेड ट्रुथ। तो ये एनोनिमस है नहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर लेकिन जब इसको एडिट करेंगे तो आफ्टर एडिशन इसके कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझा सकेगा हमें। सिमिलरली बिल्ली संडे गोइंग टू चर्च डजंट मेक यू क्रिश्चियन
एनी मोर देन स्टैंडिंग इन अ गैरेज मेक्स यू अ कार। तो ये किस तरह कॉन्टेक्स्ट में उसने समझा दिया कि आप गैरेज में खड़े हों तो कार नहीं होते, इसी तरह आप चर्च चले जाएं तो आप क्रिश्चियन नहीं होते। तो ये रेफरेंस के साथ उसने बात को क्लियर किया है। इफ़ यू स्टील फ्रॉम वन अनदर इट्स प्लेजरिज्म, इफ यू स्टील फ्रॉम मैनी इट्स अ रिसर्च। तो अब ये रेफरेंस क्लियर करता है कि कब ये प्लेजरिज्म है कब ये रिसर्च है। यू स्पेंड द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन लाइफ टीचिंग देम टू वॉक एंड टॉक, देन यू स्पेंड द नेक्स्ट 16 टेलिंग देम टू सिट डाउन एंड शट अप। सो अगेन इट्स अनानिमस एंड कैन बी क्लियर फ्रॉम सम प्लेसमेंट ऑफ कॉमास टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। वुमेन हु सीक टू बी इक्वल विद मैन लैक एम्बिशन। अगेन हाँ, टू एर इज ह्यूमन, टू ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स शोज मैनेजमेंट पोटेंशियल। दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन बाई डिफरेंट पीपल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सिमिलरली जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट था, आप इन इन जो पिक्चर्स हैं एक कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं, और कॉन्टेक्स्ट आप इसका खुद पहना सकते हैं उसको समझने के लिए। व्हाट डू दे मीन बोथ ऑफ द पिक्चर्स हेयर, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम आर समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल आई लव यू इट्स फ्रेगमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रिवील्स वंस रिप्रेस्ड डिजायर्स। अनदर एग्जाम्पल इट ब्रिंग्स फोर्थ द अपोजिशन बिटवीन विश एंड पावर अटर्ड बाय अ पर्सन हु ट्राइज टू इम्पोज हिज विश विल ओवर द अदर पर्सन फुलफिलिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर रिप्रेस्ड डिजायर्स इन कन्विंसिंग द अदर पर्सन। आप लोग सुन सकते हैं, आवाज सबको आ रही है? ठीक यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू थैंक यू। तो कोई कमेंट दरमियान में अगर आप देना चाहें, कहीं अपना अंडरस्टैंडिंग बताना चाहें, है तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है चीज़ें, तो आप हैंड रेज करके अपना कमेंट दे सकते हैं या अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए। यू आर वेलकम। सिमिलरली अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम हमारा यस हमारा सर, जो आपने अभी स्लाइड्स में मेंशन किया सिमेंटिक्स का, तो सर सिमेंटिक्स तो जो है लिटरल मीनिंग्स को डील करती है, मींस जो अपेरेंटली उसका मीनिंग होगा सेंटेंस का, उसको तो उसको जो है इनके किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ डिस्कस किया गया, हम डिस्कोर्स ले रहे हैं ना कि उसके डिफरेंस मीनिंग। डिफरेंशिएट करने के लिए कि हाँ सिमेंटिक्स और डिस्कोर्स को। हाँ जी, एक्चुअली मेजर हमारा कंसर्न तो डिस्कोर्स के हवाले से है। सिमेंटिक सपोर्ट कर रहा है, सिमेंटिक एनालिसिस सपोर्ट करता है उन उन टर्म्स को, उन बातों को, उन मीनिंग्स को इन ट्रू सेंस समझने में। तो इट इज हियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। सर बिकॉज हम लोगों को सिमेंटिक्स उस मीनिंग्स का पता होगा तभी हम डिस्कोर्स में जाएंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, ये सिमेंटिकली है या इसमें कोई जो है वो डिस्कोर्स है इस चीज में, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम उसके डिस्कोर्स में जाएंगे। एक्चुअली ये सबसेट है, सिमेंटिक इज द सबसेट ऑफ डिस्कोर्स। फर्स्ट यू गो फॉर सिमेंटिक एंड इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पैरामीटर देन यू कैन एनालाइज डिस्कोर्स एनालिसिस आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इज इट क्लियर टू यस सर, यू? ओके यस सर, ओके। थैंक यू सर। पोलैरिटीज ऑफ आई एंड यू, आई इन अपर केस एंड यू इन लोअर केस डिनोट दैट आई इज मच बिगर
मच मोर इम्पोर्टेंट एंड मच मोर पावर ड्रिवन देन यू। ये आपका वैसे अपना क्योंकि सब्जेक्ट है, आप इसमें पहले से ही अंडरस्टैंडिंग बेटर है आपकी, तो ऑलमोस्ट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं चीज़ें। आई इज एक्टिवेटर ऑफ लव एंड द यू इज पैसिव। ये प्रीवियस एग्जांपल को ही हम रिफर कर रहे हैं, आई लव यू वाली। रिसेप्टर हु हैज नो चांस ऑफ रिजेक्टिंग और निगेटिंग द प्रपोजल इन दिस पावर गेम। Not naturally produced, proposed, conveyed, but it is posted by an arbitrary act of language which is taken for granted. Self-reflexive love where I is forefronted in the background of the you fulfilling the desires of I uses the you to fulfill its repressed desires under camouflage of so-called love. The love I has restrict and it is not love which is has for you. तो ये उस इस सारी स्टोरी को आप देखें कॉमास के साथ और ब्रैकेट्स में उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिजायरफुली उसने एक्सप्लेन किया हुआ। एक्चुअली क्रिटिसिज्म ऑन डिस्कोर्स एंड एनालिटिकल रिसर्च, बेसिकली हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं। As far as criticism on the discourse analytic research is concerned, number one, the type of criticism is the deterministic. No, it is about how meanings are used and contested. The meaning hai content ke unko kis tarah se use kiya gaya hai. Just words, second, not just words, but arrangements of words in a discourse material. Zilling Harris discovers 1952 is a combination of sentences, for example, dialogue. For example, principal, what does he look like, stupid or intelligent? So, ye question pose kar rahe dialogue ke andar. Response aap dekhe. Fairly intelligent, I would say, sir. So, principal, good. And he is not a member of NAG. Show him in. Text. Verbal record of a cumulative act, that is the product. Iska discourse hai process. The dynamic process of creating the text. In discourse analysis, meaning is not seen as a static, abstract notion attached to words or sentences, but a dynamic interactive force constructed by the mind from language in context. ये इसका क्रक्स है। अकॉर्डिंग टू हेरल्ड ब्लूम, देर आर नो टेक्स्ट बट ओनली इंटरप्रिटेशन। सो अ टेक्स्ट इज बैकग्राउंडेड इन बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज वर्ड्स कैन नॉट इंटरप्रेट देमसेल्व्स, दे कैन बी इंटरप्रेटेड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट। सो कंटेंट इन टू कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड द मीनिंग्स टू द text. Try to interpret the following poem. It's for you. I smoke, you don't. I smoke, you don't. I smoke, you don't. You between and us, only ashes and smoke. If you can see this slide, you are welcome to interpret here in group. Come forward, please. Who will come first? I think so. Humaira should start. Hello, Humaira. You can unmute your mic and can try to interpret this point. Hello. Sir, yes, sir. Sir, I'm here. Yeah. Please. So just give me five minutes. I will try my best to explain it. No problem. No problem. Thank you, sir. Rana Muhammad Zubair. हेलो, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे?
इसको स्लाइड को समझें, पोएम को कोशिश करें इसको इंटरप्रेट करने की। जी सर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्लाइड। एनीबॉडी एल्स? आयशान सर, आप हैं क्लास में? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप अटेंडेंस ले रहे हो ना? जी सर, मैं अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले रही थी। ठीक है, मुझे आपने बस एब्सेंट फॉरवर्ड करने। अच्छा, आप भी इस स्लाइड को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, सब लोग करें और अपना इनपुट दें। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। You are allowed to unmute your mic and talk accordingly. सर, इसकी क्या पैराफ्रेजिंग करनी है? मतलब इजी मीनिंग में बताएं क्या मतलब? नो, हम क्योंकि डिस्कोर्स कर रहे हैं ना, तो आप इसको इसके कॉमास और एस जो भी एप्परेंटली आपको आ रहे हैं इनको आपने इंटरप्रेट करने हैं। अक्सा अरशद, आई थिंक सो, आलिया अरशद भी है इस क्लास में कोई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। Correct to my interpretation, I can interpret it in the way that, in the first sentence, in the first level, he's trying to differentiate between himself and the other person, maybe he's friend or another person, but when he just put the comma, means the short gap, it indicates that there is no much difference between the people who the person who is smoking and the person who is not smoking. He says, I smoke, you don't. But as you are sitting with me and you have my company, so it means there is ashes, there are ashes and smoke between both of us. So ultimately, it can be implied that you also involved in my activity, although you don't. But you, when you accompany me, in that while I'm smoking, so you also, you can say that you also involved in that activity. So maybe he's first he tried to mention the differentiate that the other person who is not smoking feels that different. Then he tries to clear out it. Now don't think that I smoke and you don't smoke. We are similar at in one way. I think so. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आई थिंक सो अक्सा हैज सेड वेल, बट आई वांट टू ऐड समथिंग एल्स दैट द स्मोक एंड एशेस हैज मेड द टू पर्सन सेम। ही वांट्स टू से दिस दैट द स्मोक और एशेस अफेक्टेड द सेम टू पर्संस एंड यू कैन से दे आर एट द सेम फेंस। ओके, anybody else come forward? Sir, I really wants to say there is nothing common between us. It's only the ashes and smoke that we share. Okay, Amna Parvez Khan, what are your comments? Assalamualaikum. Assalamualaikum sir. Waalaikum assalam. Sir, my interpretation is ki, yes sir, the person is saying ki you and me are not same at all. This word is only ashes and smoke, an illusion. This word is just an illusion. We both can't see each other, we both we can't share any commonality between us. This word is just an illusion. I and you are also an illusion. Okay, here is Humaira Yusuf. Humaira Yusuf. Yes sir, assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. What is your point of view about on this point? Hello sir, it's related to illusion, because sometimes which we see it doesn't
happened, लेकिन जब हम लोग वो सोच रहे होते हैं जो हो रहा होता है, लेकिन उसकी ये कह लें कि उसके बिहाइंड कुछ और मीनिंग होता है। नहीं, इसको जो बिहाइंड आप जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट है या क्या कहना चाहोगे? तो ये कह सकते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट किसी और सेंस में कर रहे होते हैं। जी, रुकैया मकबूल एंड नईम रहमान काजी, वन बाय वन। फर्स्ट जी, वालेकुम अस्सलाम। Sir, in these lines, the speaker is saying to other person, either you are smoking or not, but still we are same, because both are like ashes and smoke in the last. जी, नईम रहमान। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, in these lines, the poem, the poet actually wants to say that every thing is same between me and you, but कह रहा है कि बस सिर्फ ashes और smoke का फर्क है। मैं वो जो ashes हैं, आप जल रहे हैं और मैं smoking कर रहा हूँ, इतना सा फर्क है, बाकी the remaining things are same between us. Okay, जी शाजिया लतीफ। Language जो है वो फिर context को बयान करती है sir, actually. Context को बयान करती है, that's good. जी sir. सर, जो मेरी जो मैंने इस चीज को समझा, वो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो क्या है, पहले उसने तीन लाइंस में एम्फसिस किया, आई स्मोक यू डोंट मींस वो डिफरेंशिएट कर रहा अपने में, और जो सेकंड उसका इंटरलोक्यूटर है उसमें कि मैं स्मोक करता हूँ तुम नहीं करते, डिफरेंस ये है हम दोनों में कि एक बंदा स्मोक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, लेकिन उनमें जो सिमिलैरिटी ये है वो ये कह रहा है यू बिटवीन एस ओनली एशेज एंड स्मोक, मींस जो एशेज एंड स्मोक है मींस के जो हमारा मींस अगर मैं स्मोक कर भी रहा हूँ तुम नहीं भी कर रहे, लेकिन डिफरेंस सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों एक ही चीज में है, मींस एक ही जो सोरो है या जो भी चीज है उस एक चीज के अंदर हम दोनों उसी सेम चीज से हम सफर कर रहे हैं, बट तुम चाहे वो चीज कर रहे हो या नहीं कर रहे। उनका कॉन्टेक्स्ट है वो समवट कोई सोरो है। यस सर। हेलो। यस सर। सर ये कौन बात कर रहा है? हेलो सर, माय नेम इज शाजिया लतीफ। जी शाजिया लतीफ। जी सर। सर आई थिंक जो पर्सन है ये दोनों जो मैंने अभी तक रिसर्च किया है कि जी दोनों का इनके इंटरेस्ट सेम नहीं है, एज ए फ्रेंड वो कह रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट सेम नहीं है, लिहाजा यानी इसमें हम देयर इज नो रिलेशन बिटवीन अस, only ashes and Shaista Saleem Ram. Shaista Saleem. Assalam alaikum sir. Alaikum assalam. आप बताइए आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर मेरा ये सर मेरे ख्याल से ये है कि वो कह रहा है यहाँ पे कि मैं स्मोक करता हूँ और तुम स्मोक नहीं करते, लेकिन वो स्मोक नहीं कर रहा, इसके बावजूद वो अगर एक जगह पे बैठे हुए हैं तो वो स्मोक जो है ना वो एक के स्मोक करने से दूसरा भी उसको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सदफ आबद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ख्याल से यहाँ ओनली एशेज एंड स्मोक की जो बात हो रही है ना, लाइक ये दोनों रिलेट कर रही है, लाइक स्मोक भी हो जाता है और एशेज भी, तो सिमिलैरिटी इनमें ये है, एक वो स्मोक करता है वो नहीं करता, लेकिन जो उनमें रिलेशनशिप है वो एशेज एंड स्मोक का है। अस्सलाम वालेकुम सर। नुसरत जी सितवर। सर मुझे जहाँ तक समझ में आया वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जल रहा हूँ, मैं जलता हूँ तुम्हें नहीं पता, ठीक है, और लेकिन ये कि तुम जलते हो लेकिन ये कि मैं ऐश हो चुका हूँ, ऐश मींस बर्बाद हो चुका हूँ। जबरदस्त, बड़ी लिटरेरी लोग हो ना, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट वे में आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट्स गुड। नुसरत नाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ख्याल में जो है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादातर, क्योंकि आई स्मोक यू डोंट इट्स मीन कि एक स्मोक कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, लेकिन वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में बैठे हैं, एनवायरनमेंट इनका सेम है, तो एक का असर भी तो दूसरे पे होगा ना, तो मेरे ख्याल में इनमें कोई ज्यादा जो है फर्क नहीं है।
ठीक है, ये मारिया मकसूद आपने भी हैंड रेस किया। यस सर, यस सर, बोले सर। एज व्हेन द इंटरप्रिटेशन कम्स इट ऑलवेज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सर द थिंग व्हिच आई एम लाइक गोइंग टू इंटरप्रेट इज देयर इज अ लास्ट फ्रेज ओनली एशेस एंड स्मोक। सर व्हेन लाइक अ सिगरेट बर्न्स the ashes becomes like in a gray color, so the gray color can like interpret the age of the person. So means gray hairs, so here I can interpret the person who is like saying that I smoke, you don't. Is that like I've been going through a lot of experiences, and I've seen a lot of scenarios of life. And like you are so young, so be calm and relax, and don't argue with me. Sir, like ये थोड़ा सा funny interpretation है, but ये मेरे mind में ये आ रहा था। जरूर जरूर करें, जरूर करें। So yes, sir, it is like the difference between ages, like two person. The one is the older one, and the second person is the younger one. Azhar Abbas, sir, what do you think about this? Azhar Abbas. Hello, Azhar Abbas. Azhar Abbas, aap ji ji boliye boliye. Sir, I think the first question in the sentence says that there is actually comparison between two persons. One is smoking and second is not, and the difference between them is that one is like smoke and second is like ash. Very good, badi zabardast kisam ki yaar aapne ki. Mohammad Qasim, your point of view. Hello Qasim. Yes sir, I am not getting much. Actually I am very much confused about S, you between S. What is this S? ये बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने, जिस पे आप सोच रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, सही जगह, सही जगह फंसे हुए, बिल्कुल सही जगह। ये जो S के बाद कॉमा है ना, ये ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं जी। You between us. सर ये भी हो सकता है कि लाइक जैसे y o u को उसने सिर्फ u लिखा हुआ है, बिटवीन अस लाइक अस को सिर्फ s लिखा हो, ये समझ नहीं आ रही है। समझने की कोशिश करें ना, यही तो समझ नहीं आ रहा। सर ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब y मोहम्मद, ये कॉमा एशेज एंड स्मोक, ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सर ये कॉमा इसलिए लगा है कि बात आगे कंटिन्यू है, और जो आगे माँ का एक्सक्लेमेशन है वो कह रहा है कि ये जो है हमारे दरमियान एस्ट्रोनिशिंग थिंग जो है वो स्मोक एंड एश है। जी मोहम्मद हनीफ, वुड यू लाइक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? माय माइंड सजेस्टेड बीन अस ये, बाकी लोग अपने माइक बंद करें, है नहीं कान रहने दे। वेयर इज हनीफ, मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा शोर शुरू हो गए। हनीफ जस्ट अ मिनट, मैं लेता हूँ जी आपका क्वेश्चन, हैंड रेज किसी ने किया हुआ है। वेयर इज हनीफ, यू रेज योर हैंड प्लीज। Yes. I was thinking that there is a contrast between, you know, I smoke, you don't. There is contrast in all these sentences. In this habit of smoking? It means the first, you know, I smoke, it means the speaker has fallen into the habit of smoking. But the other person is free from this habit. It is the contrast between the two. Ghulam Shabir, what do you say? Ghulam Shabir.
You can unmute your mic. Hello, Ghulam Shabir. Sir, Waslam, ji, boliye. Sir, I think smoke जो है वो represent करती है जिस तरह कह सकते हैं हम के death को resemble करती है. अच्छा. जैसे smoke kills. तो I think he is saying whether you smoke or not, at the end we are going to die. And as the ashes and smoke resembles death, so it may be like that. At the end we are going to about to die or something like this. जी साइमा शरीफ आपने हैंड रेस किया बोले. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम. सर मेरे ख्याल में इसमें ये पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान ना जो सारो है ना वो है एक कॉमन है, एक ही चीज है, लेकिन जो पॉइंट है वो उसको उसका इजहार कर देता है, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो इसका इजहार नहीं करता. अली इमरान अनम्यूट करें अपना माइक. Yes, sir. I think both are suffering. From what? From smoke, sir. Okay. And what is the difference between them? They are in the last sentence, between S only ashes and smoke. What? Yes, sir. One is doing smoking and the other is not. Difference is that. But both are suffering from it. Last comment from Basit Amir. Hello, Basit. Unmute your mic. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Roshni, dalne apne. Sir, wo S ne to. Ji sir, वैसे तो वो U between S ने साया ही हुआ है थोड़ा सा. बाकी उसमें मैं समझता हूँ कि I smoke, you don't. दो तरह पढ़ सकते हैं. I smoke, you don't. कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तुम ना पी. और यू भी पढ़ सकते हैं आई स्मोक यू नोट, कि यार मैं पीता हूँ तुम नहीं पीते. तो दो अलग बातें. वैसे उसमें जो मुझे लगता है वो ये है कि एक हम दोनों का दोस्त हैं, दो या दो जन का रिलेशनशिप. मैं काम करता हूँ, तुम नहीं करते. मैं तकलीफ से गुजरता हूँ, तुम नहीं गुजरते. तुम्हें उसका अंदाजा नहीं होता. और अगर तुम मेरे सारों को या दुख को फील नहीं करते, तो फिर ऐसा ही है कि हमारे दरमियान फिर कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ तो ये तो कॉमनैलिटी हो गई ना. हाँ जी, तीन लोगों ने हैंड रेस किए हैं. पहले हनीफ बोले. यू कैन अनम्यूट इफ यू वांट टू टॉक. सर इट वाज ऑब्वियसली आई रेज माय हैंड, देन आई डिडंट ब्रिंग माय हैंड डाउन. ओके, थैंक यू. मेरनसा, your hand is also raised. Yes, sir. I want to say about these lines that in first three lines, poet emphasizes on difference between him and other person, that one I smoke and you don't. But he want to emphasize that there is actually no difference. There is nothing between them common. Only ash and smoking.